अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आज मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आ रही होगी। आज मैंने ये माइक लिया जो कि मैंने यहाँ स्काफ में लगाया हुआ है। कहाँ से लिया है? सलाला में लुलू हाइपर मार्केट में मोबाइल सूक है, उधर से लिया। आप लोग भी ले सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। खैर, सब बातों की एक बात, आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम दोबारा कैंपो कैफ़े जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उस दिन जो एक ड्रिंक ट्राई किया था, उन सब ड्रिंक्स में से एक स्पेसिफिक ड्रिंक जो मुझे बहुत पसंद आया था और जिसकी आज मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, कोई चॉकलेट मौका था जिसका एग्जैक्टली नाम मुझे पता नहीं है। तुम्हें पता है क्या? खैर जो भी है, पूछ लेंगे वहाँ जाके। तो चलो अब हम चलते हैं। टन टना तो कैंपो कैफ़े है मुंतजा स्ट्रीट पर, और ये हम तकरीबन पहुंच गए हैं। ओके, ये रहा कैंपो कैफे और हम जाएंगे कुछ चॉकलेट वाला मौका लेने के लिए। चलो, पहुंच चुके हैं कैंपो कैफ़े। अब हम चलते हैं और पूछते हैं कौन सी कॉफ़ी थी वो स्पेशल वाली जो हमने उस दिन पी थी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन मैंने आपसे जो ड्रिंक्स ट्राई किए थे उसमें से एक चॉकलेट फ्लेवर का कोई मौका था जिसका एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं है। मोका फ्रैपे जी, आज मैं वो लेने आई हूँ स्पेशली। मोका फ्रैपे कितना दिन है? एक। और आपने उसमें बकायदा, उसमें वो एस्प्रेसो के साथ था ना? जी, वो इनसाइड रहता है एस्प्रेसो एंड विद मिल्क एंड विद डार्क चॉकलेट, व्हाइट डार्क चॉकलेट। हां, दैट्स व्हाई उसमें इतना अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा था। तो उस पे क्रश आइस रहता है और टॉप ऑफ द क्रीम एंड चॉकलेट से। हां भाई, मास्क तो बहुत जरूरी है। मैं स्पेशली जो है ना उसके लिए आई हूँ। मैंने कहा वो फ्लेवर मेरे माइंड से अभी तक नहीं निकला। हमारा फेवरेट ड्रिंक है यहाँ का, हमेशा मौका फ्रैप पे सबसे ज़्यादा ही जाता है। हाँ, इसी वजह से फिर मैं भी इसी के लिए आई हूँ दोबारा। इवन इसको भी बहुत पसंद आया था। अच्छा जी, तो ये बना रहे हैं हमारा मोका फ्रैपे। हम मोका फ्रैपे बनते हुए देखने आए हैं। तो ये देखें आप लोग, ये बन रहा है हमारा फेवरेट मोका फ्रैपे जिसके लिए आज स्पेशली हम कैंपो कैफ़े आए हैं। और जैसे कि आपने लोकेशन तो देख ली होगी, ये कहाँ है? अल-मुंतज़ा स्ट्रीट पर, ये देख सकते हैं आप। इसके सामने हैं ये सारे फ्रूट सेलर हट, जो यहाँ नारियल वाली रोड भी कहा जाता है। और तालाबाद पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये अल-माहा पंपर है, अल-माहा फिलिंग स्टेशन। और ये हमारा मोका फ्रैपे तैयार हो रहा है। इन प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ये ताज़ा ताज़ा मोका फ्रैपे। इसके साथ ये एस्प्रेसो, मिल्क, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट। लगता है तुम्हारे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कुछ कहोगी नहीं इस बारे में? हाँ,
और ये हमारा मोका फ्रैपे हो गया है रेडी, और आप ये देख सकते हैं कितना ही मजे का लग रहा है। टन-टन-टन। आप इनका इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है campocafe.sll यानी सलाला। ये देखो कस्टमर्स आ रहे हैं, देखते ये भी मोका फ्रैपे लेने आए हैं। मिस्टर जैद आज तो स्पेशली मैं इसी के लिए आई हूँ। हाँ हाँ, लगता है आज और भी ज़्यादा अच्छा मज़े का होगा। पहले से भी ज़्यादा अच्छा। हाँ चलिए हम ट्राई करते हैं। मुझे बताइए टेस्ट कैसे आते हैं। जी 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 जी, ट्राई तो करना पड़ेगा स्पेशली जो आए हैं। सॉरी तुम पियोगी? चलो तुम बाद में पीना। चल हम ट्राई करते हैं आज कैसा बना है ये। आप भी ना पियो। इसकी बात ये अलग है, उस दिन से भी ज्यादा अच्छा बनाया आपने। इंशाल्लाह हमारे शॉप पे जब भी आएगा आप, उससे भी हमेशा डेवलपमेंट होगा। सीरियसली ये उस दिन से भी ज्यादा अच्छा है। आज आपने इस चीज का ख्याल रखा कि चॉकलेट ज्यादा पसंद है, इसलिए चॉकलेट। हाँ तुम भी ट्राई करके देखो, लेकिन मैं तुम्हें अपना क्यों दूं, दूसरा लो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपके आने के लिए यहाँ पे। आपको बहुत अच्छा लगा ये, इसलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और वो एक और था ग्रीन कलर का पिस्ताशू। हाँ वो भी अच्छा था। इवन स्पेनिश लाटे भी अच्छा था। हमारे यहाँ पे चार ड्रिंक जो है ना ये फेमस है। हाँ हाँ हाँ, एंड स्पेनिश लाटे एंड मोका फ्रैपे एंड कैरामेल फ्रैपे। ये तो मुझे इसलिए पसंद है, मैं चॉकलेट लवर हूँ, चॉकलेट लवर होने की वजह से इसलिए। हमारे यहाँ मोका फ्रैपे ज्यादा ही ज्यादा, मोका फ्रैपे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्योंकि सारा कैफे पे सब आइस मोका बनाता है, मोका फ्रैपे कोई नहीं बनाता। हाँ इसी वजह से, और डिफरेंट भी है क्योंकि मैंने और भी जगहों का ट्राई किया हुआ, इसका मुझे सबसे डिफरेंट लगा है। इसका टेस्ट क्या है ना, अभी क्या आइस मोका पे क्या था वो लिक्विड टाइप का था। हाँ हाँ। हम लोग क्रश आइस बनाते हैं, तो उस पे क्या है कि आदमी एक घंटा ये कॉफी आराम से पी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलें ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छा है ये। नहीं तुम्हें क्या कैसा लगा था अभी जो ये टेस्ट किया? हाँ इसका अलग ही फ्लेवर है, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कि हमने इस तरह वाला ना, मेरे ख्याल में मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है वो पाकिस्तान में। जनाब आप लोग भी ट्राई करें कैंपो कैफे से मोका फ्रैपे, और कौन वो एक पिस्ताशू फ्रैपे और स्पेनिश लाटे भी। ये इनके स्पेशल ड्रिंक्स हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आपको तालाबाद पे भी मिल सकता है, तालाबाद से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जगह मैंने आपको दिखा दी है, अलमंतजर स्ट्रीट पर जो वो फ्रूट्स वाली दुकानें हैं, हर्ट्स हैं सॉरी, उसके सामने। इनको क्या नारियल वाली रोड भी कहा जाता है, पुराना ओमांटल रोड भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके जो यहाँ सलाला वाले लोग कहते हैं। तो आप लोग भी विज़िट करें। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मिलेंगे, कोई और नई जगह की चीज़ें ट्राई करेंगे। टाटा।